मित्रों, जय माँ शारदे। नवरात्रि का शुभ दिन चल रहा है, तो नवरात्रि के तीसरे दिन जो होता है वो माँ चंद्रघंटा का दिन होता है। तो आज हम बताएंगे उनकी पूजा विधि और उनका मंत्र, उनका जाप, उनका भोग और उनका शुभ रंग क्या है, और इसके बाद हम बताएंगे आपको एक महा उपाय। तो चलते हैं हम। मैं बताना चाहूंगी कि जिन लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में उनको जानकारी मिल सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नवरात्र में माता जी के 9 रूप, जो 17 तारीख है वो है माता चंद्र घंटा का दिन मंगलवार। तो इस दिन तीसरी शक्ति जो होती है वो होती है माँ चंद्र घंटा। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्र में जो पापों को विनाश करती हैं, और मान्यता है कि तीसरे नवरात्र में माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए, और ये बड़ी ही साहसी और पराक्रमी देवी रहती हैं। अब मैं चंद्रघंटा का आपको बताऊंगी कि माता की पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए आपको लाल या नारंगी कलर के कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी एक चौकी बिछा लेंगे और उसमें वहाँ पे कपड़ा रख देंगे, और नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपुर चक्र रा अक्षर से आप जाप करेंगे। मणिपुर चक्र बहुत ही मजबूत होता है और इसी से ही आपको माँ की पूजा करनी है। और ये जो माँ होती है यानी चंद्रघंटा, ये मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करती है, यानी कि जो भी आपके कुंडली में मंगल ग्रह भारी है तो उसको प्रभाव को कम करती है। माता रानी का लाल चंदन और लाल चुनरी, लाल फूल, लाल फल इनको समर्पित करना चाहिए। धूर्वा इनको जरूर चढ़ाएं, और फल फूल घी का दीपक लगाएं, और जो इनको प्रसाद चढ़ाया जाता है, चंद्रघंटा को दूध बहुत पसंद है तो दूध की बनी चीजें या फिर आप मिठाई जैसे दूध से बनी हो उसका भोग लगाइए, क्योंकि देवी को प्रसन्न करने के लिए उनको दूध बेहद पसंद है, तो आप उनको दूध का भोग अवश्य लगाएं। और उसके बाद देवी की आप सरस्वती का पाठ करते हैं, नहीं तो दुर्गा चालीसा, जो भी आप पाठ करते हैं वो नियमित रूप से पाठ कीजिए, आरती कीजिए, और इस तरह माँ चंद्रघंटा की पूजा कीजिए, तो आपके जीवन में सौम्यता और विनम्रता में वृद्धि होती है। फिर आपको इनके मंत्रों का जाप करना है। वैसे तो 9 दिन माता के 9-9 मंत्र अलग अलग हैं, तो आप वो भी जाप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर पहले से कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको उसे नहीं छोड़ना है। आप एक माला कर सकते हैं, जैसे कि चंद्रघंटा जी का जो माला की जाप है, आप एक माला कर लीजिए। एक माला में 108 मोती होती है, तो आप उसी से ही रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। मंत्र आपको हर किताब में मिल जाएगा। अब हम बताएंगे आपको कि माँ चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा। माँ दुर्गा का जो तीसरा रूप होता है उसका नाम है माँ चंद्रघंटा। युद्ध मुद्रा में सिंह में विराजमान माँ चंद्रघंटा, इनके दोनों हाथों में तलवार है और त्रिशूल है, धनुष धारण की हुई है, इनके माथे में घंटे के समान चंदन यानी कि घंटे के आकार का अर्ध तिलक इनके माथे पर विराजमान है, और इसीलिए हम इन्हें चंद्रघंटा माता कहते हैं। चंद्रघंटा माता जो होती है वो मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। अगर ज्योतिष के अनुसार कहा जाए तो इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है, ये मंगल ग्रह को भी नियंत्रित करती है। और माँ चंद्रघंटा राक्षसों का संहार करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इनका ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवी में तीनों शक्तियां समाहित हैं। पूजा कैसे करेंगी? आप सुबह जल्दी उठ करके सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान करके शुद्ध और साफ कपड़े पहन करके माता का संकल्प कर लेंगी, और उनका ध्यान में रखते हुए माता को सिंदूर, रोली, टीका, चंदन, अक्षत, धूप, अक्षत और नवेदम अर्पित करके माँ को मीठे चीजों का भोग लगाएंगी, दूध का बना हुआ पेड़ा चढ़ाएंगी, अर्पित करेंगी, और इसके साथ ही आप मंत्रों का जाप करेंगी। मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होता है।
अब हम आपको बताएंगे कि चंद्रघंटा यानी तीसरे दिन आपको कौन सा उपाय करना है। ये महा उपाय है, अगर आप करते हैं तो इससे आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। आपको करना कुछ नहीं, जब आप पूजा करेंगे तो पूजा के दौरान आपको 2 लौंग और 1 पान और सुपारी और 2 मिश्री के दाने और इलायची आप 1 पान में रख लेंगी और 1 छोटे से लाल कपड़े में माता जी के सामने अर्पित कर देंगी यानी समर्पित कर देंगी। और उसके बाद आप नवार्ण मंत्र का 108 बार जाप करेंगी, वो जरूरी है। और आप इसी प्रकार से चंद्र घंटा का बीज मंत्र का भी आप जाप करेंगी। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। फिर जब आपने मंत्रों का जाप कर लिया, फिर आप ये इस पोटली को बांध लेंगे जो आपने सामग्री इसमें रखी थी, और उसको बांधने के बाद इसको आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख देंगे जहां पर आपको लेने में आसान हो। अगर आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो इस पोटली को अपने साथ रहते जाइए, चाहे मुकदमा हो चाहे कोई केस आप जीत ना रहे हो, उससे भी आपको लाभ मिलेगा और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अगर आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, कोई व्यापार के लिए जा रहे हैं तो भी आप इसे रख सकते हैं, कोई जमीन जायदाद खरीदने जा रहे हैं तो भी आप इसको अपने पास रख कर के ले जाएं तो आपके सभी काम बन जाएंगे। इंटरव्यू में अगर बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं तो भी अगर ये उपाय करते हैं तो उनको उत्तम फल प्राप्त होगा और इससे आपके जो शत्रु है वो परस्त होंगे। ये उपाय आप करिए। इसी साथ मैं बताना चाहूंगी कि मैं अगले वीडियो में फिर एक नया उपाय लेकर के आऊंगी। इसी तरह आप लोग मेरे से जुड़े रहे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।